सो दोस्तों, आज एक लैपटॉप अटेम्प्ट करेंगे रिपेयर के लिए। ये देखिए, यहाँ पे रेड लाइट जल रहा है और ऑन नहीं हो रहा है। देखिए, ट्रिगर कर रहा हूँ तो ट्रिगर कर बटन दबाने के साथ साथ ही वाइट पावर चला जा रहा है और ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही है और पूरा वीडियो हम इसमें बनाएंगे कि कैसे कैसे ठीक हो रहा है और कैसे कैसे क्या फॉल्ट मिल रहा है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो से जुड़े रहिए। तो जैसे कि अभी देखें, एडाप्टर हमने गुड है, चेंज करके देख लिया। तो अब बारी है हमारा टीयर डाउन करने की। अभी हम डिसअसेंबल करेंगे पार्टों को, फिर उसके बाद से चेक करके बताएंगे कैसे ठीक हुआ। ठीक है, कैसे रिपेयर हो करेंगे इस बोर्ड को। तो आइए, कुछ हम फास्ट टूल से इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलते हैं इस लैपटॉप को और फटाफट आपको दिखाते हैं। तो सेम चीज़, बैटरी निकालेंगे सबसे पहले इस लैपटॉप में। ओके, उसके बाद से पेज सारे खोलेंगे। ओके, तो इसमें देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अटेम्प्टेड लग रहा है लैपटॉप, कहीं से दिखाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम अपना बेस्ट एफर्ट लगाएंगे इसमें। देखेंगे बायोस से प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लगी हैं इसमें। तो सारी चीज़ें आपको निकाल लेना है, हार्ड ड्राइव वगैरह, और ये टूल्स बाय करना है तो आप कमेंट करना, ऐसे टूल्स चाहिए। तो बाकी ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, इस टाइप का टूल्स भी ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है। तो सारे पेज निकल गए, क्योंकि इसमें मैग्नेट नहीं है इस टूल्स में, तो इस वजह से इस पेज होल्ड नहीं करता। तो ऑलमोस्ट हमारे पेज सब बाहर आ चुके हैं, बच गया ये। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, एवरीथिंग इज ओके। अब देखें दोस्तों, अभी यहाँ पे ख़ास चीज़ है कि आपको कीबोर्ड यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो ओपनर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ओपनर, निकल गया कीबोर्ड अपना। अच्छा, कोई बात नहीं, काट दो। तो इस बोर्ड को हम बाहर निकालेंगे दोस्तों। और डीवीडी राइटर का भी ऐसे ही हाल है। राइटर एग्जिट करना पड़ेगा इससे पहले। लेनोवो की बॉडी थोड़ी सी ज्यादा
वीक होता है। इसीलिए केयरफुली इसको खोलना होता है। ये रहा अपना बोर्ड और इसमें आप देखेंगे क्या हमें मिल रहा है फॉल्ट। तो चलिए और टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग एक दिखा रहा है 00। ये देखिए यहाँ पे एक शॉर्टिंग दिखा रहा है इसके नियर बाई। और कहीं चेक करते हैं, देखते हैं और बैटरी जरूर चेक करेंगे 3 वोल्ट। ठीक है, चलिए अभी इसको एक बार देखते हैं हटा के इस कैपेसिटर को। ओके, एक मिनट पॉज कर। पावर ठीक है, अब चेक करते हैं दोबारा से। ऑन हो गया, ऑफ हो जा रहा है, तो प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं, इसको खोलते हैं प्रॉपर, बोर्ड को बाहर निकालते हैं। साइड ये रहा अपना फाइनली मदरबोर्ड। अब इस पर देखते हैं, सबसे पहले जो इसका प्रोसेसर है इसमें क्या दिखा रहा है।
रियर साइड से सर गुड लग रहा है। तो यही मुझे लग रहा है कि मॉइस्चर वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मॉइस्चर हम क्लीन करेंगे फिर ट्राई करेंगे। इस पर ग्राइन वगैरह निकाल लेते हैं। ये पे शॉर्टिंग नहीं है तो एक बार थोड़ा सा क्लीन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तब देखते हैं। लगा कर देखते हैं इसको क्या कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड ऑन हो गया क्लीन करने के बाद, देखिए। और डीसी पे भी देखिए यहाँ पे एम्पियर ले रहा है लेकिन रैम नहीं लगा। ओके सो दोस्तों इसको हमने ऑन किया था और ये बखो भी अच्छे से चल रहा था, ठीक है। अब इसमें हम ऑन करके मैनुअल ट्रिगर मारेंगे और चेक करेंगे। जब निकलो तो मुझे बता देना सर। तो देखिए ऑन हो गया प्रॉपर तरीके से। अब देखिए अब रैम लगाएंगे जो कि ऑन नहीं हो रहा था, और एक बार हम इसमें चेक करेंगे स्क्रीन में। जब पकड़ना चलूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हमने थोड़ा सा सोचा कि बनाते हैं खोलने पैक करने का भी, जिसको बेसिक नहीं पता वो कर सकता है अपने लैपटॉप वगैरह में एक्टिविटी। तो फिलहाल अब रैम लगाएंगे, रैम की बारी है। ओ
अब उसके बाद से हम इस पर डिस्प्ले देखेंगे। अब इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए ऑन हो गया प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे पहले ऑरेंज लाइट रेड लाइट जल रहा था और वेट करते हैं डिस्प्ले तक, तो ऑन हो के ये बंद हो गया। मे बी हो सकता है रैम ख़राब हो जिसके वजह से शट डाउन हो गया हो, तो रैम भी चेंज करते हैं एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये ऑन और जा रहा है प्रॉपर, लेकिन बंद हो जा रहा है उसके बाद। अभी ये प्रॉब्लम है। दोस्तों एक बार रैम चेंज करके देखते हैं, दिखाते हैं। ऑन तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट डिस्प्ले का देखते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने लैपटॉप का डिस्प्ले की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप पूरा, अगर आप बिगिनर हैं तो भी, एक्सपीरियंस हैं तो भी। क्या हो गया, तो दोस्तों एक बार और ट्राई करते हैं अच्छे से। देखिए डिस्प्ले आ गया है, तो इंस्टेंट क्विक डिस्प्ले आता है इसमें और लैपटॉप रिपेयर हो गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।